बोर्ड विजिबल हो रहा है। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टेस्ट हो गया सबका। एक मिनट में आता हूं मैं वापस से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। टेस्ट हो गया, कैसा हुआ टेस्ट? टेस्ट कैसा हुआ सबका? बढ़िया हुआ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड वेरी गुड, आपके बारे तो सब सही साट रहा ना। नंबर वंबर में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नंबर में कोई बोल रहा कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई सबमिट करने में या नंबर में? ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आएगा? हाँ, मास्क का ग्राफ गिरता जा रहा है तो गिरेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में फुल आया करण पाटीदार, बहुत बढ़िया। कुछ प्रॉब्लम थी, नेक्स्ट टाइम टेबल चेंज हो सकता है क्या? क्यों मनन, क्यों चेंज होगा बेटा? क्लास तो बढ़ानी पड़ेगी ना, अभी तो तीन ही क्लास चल रही थी। फिजिकल में तो कम से कम पांच क्लास लग जाती है, चार से पांच। अभी तो क्या ऑनलाइन के कारण कम लगा रहे, तो चार तो लगानी पड़ेगी बेटा, ये तो कोर्स से भी बहुत पीछे हो जाएगा, बाद में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए है ना। और उसका आंसर थ्री ही था। ठीक है ठीक है, चलिए थोड़ा सा टेस्ट से रिलेटेड एक दो पॉइंट मैं डिस्कस कर लूं आप लोगों से, है ना। जैसे तीन चार टेस्ट दे दिए हैं आप लोगों ने, और अभी तो खैर सारे मेंस के ही टेस्ट हो रहे हैं, और आगे भी अभी शायद मेंस का ही टेस्ट है, नेक्स्ट वाला टेस्ट का भी आ गया है, तो वो भी शायद मेंस का ही टेस्ट अभी होगा, है ना। तो देखो एक तो क्या है, कभी भी जैसे मार्क्स की जहां तक बात है ना, जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया, फेज वन वालों का भी आया, तो मार्क्स की जहां तक की बात है ना, कि मार्क्स कभी भी जैसे आपको कंपेयर करना, तो पहली चीज तो कंपेयर मार्क्स से नहीं कर सकते, कंपेयर आपको करना पड़ेगा बच्चों रैंक से। रैंक, ठीक है, कि आपकी रैंक पहले कहां थी अब कहां हुई, क्योंकि मार्क्स तो टोटली डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर, पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। और जैसे जैसे देखो आगे बढ़ेंगे ना, तो वो मार्क्स का डिफरेंस तो और बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। कभी पेपर इजी आ गया तो मार्क्स अच्छे आ गए, कभी पेपर टफ आ गया तो मार्क्स कम आ गए। तो यहाँ पे मार्क्स से मैटर ही नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा खेल इस चीज का है कि आपकी रैंक रिलेटिवली कैसी चल रही है, रैंक इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, या मतलब रैंक गिरनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ा चीज है कि रैंक गिरनी नहीं चाहिए, मतलब रैंक गिरने का मतलब ये हुआ कि बाकी स्टूडेंट आपसे ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स, और ऐसा कंपटीशन चलता रहेगा, ये कंपटीशन तो चलता रहेगा, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप ही मेहनत कर रहे हैं, सब स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, कभी किसकी मेहनत ज्यादा हो गई, कभी किसकी चीजें ज्यादा अच्छी हो गई, कभी किसको ज्यादा सूट कर गया, टाइम भी रहता, बहुत सी बार किसी को घर पे कोई दिक्कत हो गई, किसी के साथ कोई दूसरी प्रॉब्लम हो गई, हो सकता है उस टेस्ट में उसने खराब कर दिया, अगले टेस्ट में अच्छा हो गया, है ना। तो कभी भी कोई बहुत प्रिडिक्टेबल, अभी जो भी मार्क्स आ रहे हैं, जो भी रिजल्ट आ रहा है ना, दैट इज नॉट वेरी कंक्लूसिव, उससे अपन कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ या बहुत खराब कर रहा हूँ, नहीं, है ना। दिस इज जस्ट यूर लर्निंग लर्निंग केस, कि हाँ भाई इसमें मुझे कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कि हाँ भाई टाइम से मैनेज हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, है ना। वो सब चीजें बस सीखने का टाइम है, सब चीजें बस सीखने जानी, सीखते जाना है आपको, बाकी चीजों पर अभी ध्यान मत दो, ठीक है, कि मेरा ये इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव इतने अभी आप इम्प्रूव कर ही नहीं सकते, ठीक है। अभी तो बहुत छोटी सी चीज है ना भाई, मुझे तो इतना बड़ी चीज का एग्जाम देना है और मैं इतनी सी चीज में देखना चाह रहा हूँ,
तो अभी तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, कोई स्टूडेंट हो सकता है कि बहुत सारे सिलेबस के साथ अच्छा परफॉर्म कर जाए, ठीक है, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी छोटी सी चीज तो क्या है कि आप याद रट रट के याद भी कर लो, मैथ्स में भी याद कर लो, है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें। तो इसलिए कभी भी अभी अपने को कोई भी कंक्लूसिव नहीं होना है ना, कि कंक्लूसिव नहीं निकालना है कि हाँ मेरा ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है, नहीं, आपको अभी एब्सोल्यूट चलना है, अभी जो भी चल रहा है ना एब्सोल्यूट चल रहा है। हाँ कंपटीशन देखते रहना अपने को, यहाँ भाई ऐसा नहीं हो कि मेरी रैंक 50 की सीधी 150 चली गई, 200 चली गई, वो सब नहीं होना, ठीक है, तो थोड़ा सा बस उस चीज का ध्यान रखना, पॉजिटिव अप्रोच रखना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। नहीं ठीक है, ये एक्चुअली में ये हम पीटीएम करेंगे, तो पीटीएम में हम बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड रहता है एक्चुअली, ठीक है, तो इसलिए वो एक्चुअली क्या होता है, देखो आप क्या 10th के रिजल्ट से देखते हैं, वो बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं वो आप ही के साथ, वो सबके साथ हर साल होता है, ये वाला फैक्टर हर साल आता है, स्टार्टिंग में 11th में जाता था, अभी 12th वाले बच्चों को नहीं फर्क पड़ता, 11th में आप क्या है 10th क्लास से पास हो गया है, तो जैसे 10th क्लास से, तो 10th क्लास में तो आपके 90% आते थे, 95% आ जाते थे, 80% आ जाते थे, ठीक है, यहाँ पे 80% 90% की बात ही नहीं है बेटा, यहाँ पे तो 50% में आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, 50% में सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर अब आप देखो ना वहां पे 80% भी कम रहते हैं, 80% से ऊपर भी कितने ज्यादा रहते हैं, यहाँ पे 50% में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, तो एक वो क्राइटेरिया भी अपने को देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने को चलना है, ठीक है। चलिए, एडु विद्या एक ध्रुव पूछा, एडु विद्या, एडु विद्या में क्या है एक्चुअली, एलन का ही वो एक ऐप है, तो जैसे जूम टाइप का होता है ना वैसा ही वो एक ऐप है, तो एक्चुअली वी आर ट्राइंग कि हम जूम की बजाय उस पे शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, है ना, तो अभी उसको हम टेस्टिंग पे ले रहे हैं एक्चुअली, अभी क्या है कि वो इसीलिए शायद आपके पास कॉल आया था, मुझे भी पता लग रहा है, काफी सारे स्टूडेंट ने पूछा है, तो मेरे को लग रहा है कि शायद आप लोगों के पास कुछ कॉल आया होगा इससे रिलेटेड, तो आप सब उसको डाउनलोड कर लीजिए, तो अपन पहले उसको ट्राई करेंगे, 5-5, 10-10 स्टूडेंट पे या 1-to-1 पे उसको मैं ट्राई करेंगे, है ना, अभी सब लोग ट्राई कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो जब वो तो अपने को लगेगा आप लोग भी कंफर्ट हो जाएंगे और मैं भी कंफर्ट हो जाऊंगा, तो फिर अपन धीरे से क्लास उस पर शिफ्ट करेंगे, तो वो इसी टाइप का ऐप है बिल्कुल, वो स्क्रीन शेयरिंग और ये सब भी करना है उसमें भी, मतलब यही चीज है सेम, है ना, कोई अलग से कुछ नहीं है वो, तो उसपे फिर अपन, वो बस ये है कि वो सबके लिए इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए वो अभी जो मान लीजिए उसका ट्रायल टाइप से चल रहा है एक तरह से, अभी हम क्या बड़े बैच शिफ्ट उसमें नहीं कर रहे, छोटे बैच उसपे ले रहे हैं, है ना, 15-20 स्टूडेंट्स का जो बैच है वो उसपे शिफ्ट करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो एक तरह से ट्रायल टाइप से आप मान सकते हैं, ठीक है। आईआईटी भी पर ही होगी ना, कम कंप्यूटर पर ही, हाँ, ठीक, राइट राइट, जियो में जूम चाइना है इसलिए, नहीं वैसे जूम चाइना नहीं है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, जूम इज नॉट अ चाइनीज ऐप, आप डाल के देखा, मैंने भी गूगल पे चेक करा है, जूम एक्चुअली, जूम में क्या था कि पहले जो उसका सीईओ था वो चाइनीज था, तो चाइनीज वो डेटा इंक्रिप्शन जो है वो वाया चाइना के थ्रू कुछ आता था, कुछ इस तरह की उसमें टेक्निक थी, पर अब वो टोटली अमेरिकन शिफ्ट हो गया, वो पूरा अमेरिकन ही है, उसमें चाइनीज का कुछ भी रोल नहीं है ना, तो इसलिए यूएस का है, राइट राइट ठीक है, एग्जैक्टली, सर्वर इज कंट्रोल्ड इन चाइना शायद से, अब मेरे ख्याल से वो भी अमेरिकन ही हो गया है सर्वर, हाँ एरिक युआन जो था अमेरिकन ही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चाइना था, अरे वाह बहुत, अक्षत दशोरे ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, युआन जो है अमेरिकन है और सर्वर उसका है, चलिए ठीक है, जियो मीट आ चुका है, अच्छा जियो मीट भी आ गया, गूगल मीट भी चल रहा है ना, डेटा कोड चाइनीज है, अब यार डेटा कोड तक तो कैसे जा पाएंगे, मतलब फिर तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, चलो अपन स्टार्ट करते हैं, तो भाई आज के लिए बात है ना, हाँ अब जूम छोड़ के अपन मैथ्स पढ़ते हैं, तो क्या हुआ था अपने लास्ट क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने स्टार्ट करा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ फ्रूट्स मैंने स्टार्ट कर दिए थे, एक बार ब्रीफली मैं रिकैप कर देता हूँ बच्चों, नेचर ऑफ फ्रूट्स का, ठीक है, नेचर ऑफ फ्रूट्स का मैं रिकैप कर देता हूँ, है ना, आज मैंने इसीलिए शीट नहीं दी, मैंने कहा कि शीट आज अपन एक बार क्लास हो जाएंगे ना, कल आप लोगों ने टेस्ट दिया ये, तो इसलिए मैंने कहा आज थोड़ा सा आप रेस्ट कर लो, ठीक है, एक क्लास आज की हो जाए, तो फिर क्लास के बाद मैं 7-8, 8-9 बजे तक, 5 बजे तक मेरी क्लास है, तो 8 बजे तक मैं कोशिश करता हूँ कि शीट शेयर कर लूंगा,
और अब अपन क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक वाली, है ना। क्वाड्रेटिक वाली में देख लेता हूँ, क्वाड्रेटिक वाली कर ले ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या नेचर ऑफ रूट्स लिया था, दिख रहा सबको, ठीक है, चलो नेचर ऑफ रूट्स रिकॉर्डिंग ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स में मैंने इतना सा आपको बता दिया था नेचर ऑफ रूट्स में कि अपने पास जो इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, उसके रूट्स थे a नॉट इक्वल टू जीरो और इसके रूट्स आए थे अल्फा बीटा। तो जब अपन रूट्स निकाल रहे थे, नेचर का मतलब मैंने बता दिया था, नेचर का मतलब ये था कि आपको ये बताना है कि ये अल्फा और बीटा कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, है ना। अच्छा, अब एक चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने पहला इसके क्वाड्रेटिक की स्टार्टिंग में भी रिपीट करा था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब भी कहीं पे मैं रूट्स वर्ड्स यूज कर रहा हूं तो रूट्स मींस दैट मे बी रियल एंड दैट मे बी इमेजिनरी, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स दोनों अपन ने बोला था। तो जैसे मैंने बोला कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो इट डजंट मीन कि अल्फा बीटा आर द रियल नंबर्स। अल्फा बीटा मे बी इमेजिनरी मे बी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, अल्फा बीटा रियल इमेजिनरी भी हो सकता है जब भी रूट्स वर्ड्स यूज कर रहा हूं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक के लिए नहीं, बेसिकली बेटा किसी भी इक्वेशन, आप क्यूबिक के लिए बात कर लो, बाय क्वाड्रेटिक के लिए अपन बात कर लें, रूट्स वर्ड्स यदि वो यूज कर रहा है ना, तो मतलब रूट्स में भी रियल में भी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अपन यही आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि ये जो अल्फा बीटा है ये रियल है कि इमेजिनरी है, ठीक है, डिस्टिंक्ट है कि इक्वल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सबने टेंथ में पढ़ा भी है, एक बार मैं वापस से फिर भी फास्ट भी रिकैप कर देता हूँ कि अपन ने तीन कंडीशन निकाली थी कि d ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो क्या होगा, d इक्वल टू जीरो आ जाए तो क्या होगा, और d लेस देन जीरो आ जाए तो क्या होगा। तो d ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो मैंने बोला था कि रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट को आप अनइक्वल भी बोल सकते हो बच्चों, अनइक्वल, किसी को डिस्टिंक्ट में कंफ्यूजन था तो डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल ही होता है। d इक्वल टू जीरो आ जाए तो रियल एंड इक्वल होगा, और d लेस देन जीरो आ जाए बेटा तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी बोल सकते हो और या फिर उसको आप कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। और ये मैंने बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स ये जब आ रहा है या इमेजिनरी आ रहा है तो इमेजिनरी मतलब वो ऑटोमेटिकली डिस्टिंक्ट ही होगा, डिस्टिंक्ट ही होगा, इमेजिनरी वो सेम नहीं हो सकता, इमेजिनरी जो है वो सेम नहीं हो सकते, है ना। तो यहां तक मैंने बता दिया था, ठीक है, इतना मैंने बता दिया था। अच्छा, अब इसमें क्या, जैसे आप कंक्लूजन निकालो ना बेटा, तो कंक्लूजन थोड़ा सा यहां पे क्या ना परफेक्शन के साथ जाना पड़ेगा, परफेक्शन के साथ, है ना। मतलब देखो, यदि आपको आपने डी निकाला, डिस्क्रिमिनेंट, डी तो सबको पता है, डी मतलब क्या, डी मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, ठीक है। देखो, आपने डी निकाला और d आपको कंफर्म पता है कि वो केवल ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो कोई डाउट नहीं, आप रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट बता। आपने d निकाला और आपको ये लग रहा है कि वो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी आ सकता है, आप पॉजिटिव ही रहा है लेकिन इक्वल टू जीरो होने की भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो फिर अपन क्या बोलेंगे, अपन केवल रियल बोलेंगे उस केस, अपन उस केस में केवल रियल बोलेंगे, है ना। उसमें फिर आप रियल एंड इक्वल या डिस्टिंक्ट हटा दो, मतलब वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऐसे केसेस में क्या थोड़ा सा ऑप्शन ध्यान से देखना कि ऑप्शन में वो क्या बोलना चाह रहा है। तो आपको कभी भी आंसर जब अपन टिक करते हैं ना बेटा, तो आंसर वो टिक करते हैं जो 100% केस में सही हो, मे बी या पॉसिबिलिटी वाला आंसर टिक नहीं करते। आप बोलो सर, तो फिर रियल एंड इक्वल भी तो हो सकता है, हो सकता है जहां आपने सोच लिया तो वो आंसर नहीं, वो या तो क्वेश्चन में वो पूछे रूट्स में बी, है ना, स्टेटमेंट समझना, या तो रूट्स क्वेश्चन में पूछे रूट्स में बी, तो ठीक है फिर आप रियल पे भी टिक कर दो, फिर आप इक्वल पे भी टिक कर दो, डिस्टिंक्ट पे भी टिक कर दो, ठीक है। लेकिन यदि आपको एक ही ऑप्शन चूज करना रहता है ना, तो परफेक्ट आंसर आपने पूछे, तो यदि डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो की पॉसिबिलिटी आ रही है, देन वी हैव टू से रूट्स आर द रियल, ठीक है। कंफर्म डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल देंगे, बाकी लेस देन जीरो में तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, लेस देन जीरो आ गया तो वो ठीक है, राइट। तो
पहली चीज यही है कि आपको कभी भी जैसे रूट्स निकालने हैं, रूट्स का नेचर निकालना है, तो आप केवल डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट देखकर अपन बता देंगे कि रूट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल किस तरह से, ठीक है। चलिए तो अब इस पर अपन कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ क्वेश्चन तो करवाए हो बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलिए तो इस पे अपन क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कर लेंगे आप, कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल करवाऊं मैं, एक दो एग्जांपल करवा देता हूं मैं। जैसे मान लो सीधे सीधे एक इक्वेशन लिख देता हूं मैं, मान लीजिए मैंने इक्वेशन लिखी x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैव रियल रूट्स, देन a बिलोंग्स टू, ठीक है, x square plus ax plus 1 equals to 0 have real roots, then a belongs to, है ना, ठीक है। अब real बोला ना मैंने, तो real के लिए मैं क्या लिखूंगा, d greater than equals to 0 लिखूंगा, real के लिए d greater than equals to 0 लिखेंगे आप, ठीक है। अब इसका d निकालेंगे, d तो सबको आता है निकालना, x square का जो coefficient है वो a होगा, x का जो coefficient है वो b होगा, constant c होगा, तो d हो गया b square माइनस 4 ए मतलब 1 इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये सॉल्व तो अब अपन कर ही सकते हैं। अब देखो, अब ये सब चीजें हेल्प करेगी आपकी, जितना आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना अच्छे से आता होगा ना, तो फिर अपनी क्वेश्चन की कम से कम ये कि दो स्टेप आपके लिए आसान हो जाए। अब आप इसी में उलझ जाएंगे तो फिर वो दिक्कत है ना। मेन तो बस ये चीज जगानी आनी चाहिए, बाकी तो ये तो क्या लिखोगे आंसर, a belongs to minus infinity से minus 2 union 2 से लेकर infinity अपन लिख सकते हैं, है ना। रूट्स इक्वल बोल देते हैं, अभी जैसे रियल बोला है, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलते, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलते तो फिर मैं इक्वल टू साइन नहीं लगाता, मैं केवल ग्रेटर देन लगाता। इमेजिनरी बोलते हैं तो केवल लेस देन लगाता, इक्वल बोलता तो b इक्वल टू 0 करते। एक बात यहां तक चलिए, तो अब आगे अपन क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इट इज 4a ई स्क्वायर माइनस 4ac ना, रूट्स ऑफ इक्वेशन b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 आर इक्वल एंड a प्लस सी इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b, तो लैम्डा की वैल्यू आपको बतानी है। लैम्डा की वैल्यू आप एक्स स्क्वायर प्लस 4mx प्लस m माइनस 2 इंटू m माइनस 3
प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो हैव इक्वल रूट्स देन एम इज इक्वल टू वैभव का आंसर सही है, पुष्कर का आंसर भी सही है, वैभव सही है, आदित्य मणि थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, निदान गड़बड़ है। उत्कर्ष का भी गड़बड़ लग रहा है, छयान का सही है। आदित्य मणि का सही है, वासु सोनी का सही है, तानिश नहीं, पर पाटीदार का सही है, अमन नहीं, केवल आंसर वैल्यू की फॉर्म में आएगा, वासु सोनी सही है, इटी आंसर वैल्यू की फॉर्म में आएगा, लैम्डा की वैल्यू इंटीजर आएगी बेटा, एबीसी की फॉर्म में नहीं, इसने आंसर इंटीजर की फॉर्म में, अर्णव सही है, निम्बेश सिंह, निम्बेश सिंह यार नाम मैंने पहली बार ही सुना है, निमेश, अच्छा निमेश नहीं, आंसर गलत है, दानिश आंसर गलत है, गर्व सिंह का सही है, कुव्यास का सही है, इसका फर्स्ट हो जाए सेकंड करना है उसको, इसका फर्स्ट हो जाए सेकंड करना है, अंशिका सेकंड के दो आंसर आ रहे होंगे ना, हाँ वैभव दूत का सही है सेकंड वाला, चलिए फर्स्ट वाला मैं बता देता हूं पहले, ठीक है, रूट्स इक्वल है तो सबको बता है, रूट्स इक्वल है फर्स्ट वाला, रूट्स इक्वल है तो सीधे सीधे डी इक्वल टू जीरो करेंगे, डी इक्वल टू जीरो करोगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इससे आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, ठीक है,
माइनस फोर मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास माइनस टू ए सी और प्लस फोर ए सी, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना बेटा, मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लस फोर ए सी हो जाएगा तो ये माइनस टू ए सी की जगह प्लस टू ए सी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी यहां पर हो गया, है ना। यह और फिर आपके पास बचेगा, ये हो गया, अब क्या क्या बचा अपने पास, प्लस फोर बी स्क्वायर बचा और माइनस माइनस प्लस फोर ए सी एंड माइनस फोर बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ए बी हो गया माइनस ए सी हो गया और प्लस ए बी हुआ माइनस ए सी हुआ माइनस बी स्क्वायर हुआ प्लस बी सी हुआ, है ना, प्लस फोर बी स्क्वायर हुआ और माइनस फोर ए बी माइनस फोर ए बी गया था, प्लस फोर ए सी तो यहां पे आ गया था, ये आएगा प्लस फोर ए बी आएगा माइनस फोर ए बी, माइनस फोर ए बी माइनस फोर बी सी इक्वल टू जीरो आ गया, है ना, ठीक है। माइनस टू ए सी प्लस फोर ए सी प्लस टू ए सी का और ये माइनस फोर ए बी ये रहा, ठीक है ना। अब आप चाहे तो पूरे को एक साथ भी ले सकते हो, दोनों तरीके हैं, पूरे को आप चाहो तो एक साथ भी ले सकते हो, ठीक है। और यदि पूरे को नहीं लेना हो तो एक काम अपन ये भी कर सकते हैं, पूरे को भी ले सकते हो, पूरे को नहीं लेना हो तो अपन ये भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी को क्या लिख सकते हो बच्चों, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको टू बी का होल स्क्वायर और यहां से माइनस फोर बी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस फोर बी कॉमन ए प्लस सी और प्लस टू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, फोर को लिख लो आप टू इंटू टू, है ना, फोर को लिख लेंगे अपन टू इंटू टू, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी माइनस टू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो a प्लस सी इज इक्वल टू टू बी आ जाए, लैम्डा इक्वल टू फोर, सेकेंड वाला, हाँ वही मैंने बोला ना, वो पूरा आप चाहो तो पूरे का एक साथ होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, इस पूरे को एक साथ a प्लस सी माइनस टू बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, चाहे अलग अलग करके लिखो, ठीक है। हाँ सही है, यशोधरा का सही है, उत्कर्ष का सही है, चरण का भी सही है, पर पाटीदार का भी सही है, नहीं गर्व सिंह, दानिश जी किसका आंसर बता रहे हो तुम, सेकंड का बता रहे हो, नहीं सेकंड का ये नहीं है, हाँ नामिका सही है सेकंड, नहीं आदित्य, आदित्य मनी अड़वाला गलत है, सेकंड क्वेश्चन में सी, ये पूरा सी होगा शशांक, ये पूरा सी होगा, जो भी जिसमें एक्स नहीं आ रहा है कॉन्स्टेंट है वो पूरा सी होगा, नहीं शांत,
सही है विधान। तो क्या हो गया, सॉल्व करो ना तानिश, जैसी भी आ रही तो सबका आ ही रहा है तानिश, बाकी बच्चों का आ गया तो आपका भी आना चाहिए फिर, तो बाकी ने भी सॉल्व करा ना। सौरभ सिंह बाघेल का सही है, नहीं आयुष, आयुष का गलत है। हाँ निमेश, निमेश का सही है। अर्पित, वो फर्स्ट क्वेश्चन की सेकंड लास्ट स्टेप में अपन ने ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई थी, पहली टर्म ए स्क्वायर हुई थी, दूसरी टर्म लास्ट वाली टर्म बी स्क्वायर थी और बीच वाली टर्म माइनस हुई थी, तो वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई। हाँ सही है आयुष, शशांक सही है। नहीं एट नहीं है, नहीं हाँ चलिए सेकंड में भी सीधा इक्वल रूट से, तो डी इक्वल टू जीरो ही करना अपने को, है ना, तो डी इक्वल टू जीरो यदि करेंगे, डी इक्वल टू जीरो तो बी स्क्वायर हो गया 16m स्क्वायर माइनस 4a, a हो गया 1 इंटू सी, सी कितना हो गया m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। 4 कॉमन लेके हटा देते हैं, 4 कॉमन लेके हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4 कॉमन लेके हटा दिया तो m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3m माइनस 5m हो गया प्लस 12 इक्वल टू 0, 4m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 12 इक्वल टू 0, ये सिंपली तो करते हैं, ये 48 किसने लिखा था, देखो जितना कैलकुलेशन पॉसिबल है ना, कैलकुलेशन देखो मैटर करती है बड़े क्वेश्चन में, कि आपको किस स्टेप पे कॉमन लेना है, किस स्टेप पे आपको कॉमन लेना है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कहाँ पे मुझे सॉल्व करना है, कहाँ पे वैल्यू रखनी है, ठीक है। बस तो 12 36 का 5 चाहिए ना, तो 5 का 9 4 36 हो जाएगा, बस 9 4 36, तो 3m स्क्वायर प्लस 9m माइनस 4m माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो 3m कॉमन, m प्लस 3 और माइनस 4 यहां से कॉमन आ जाएगा और m प्लस 3 इक्वल टू 0 यहां से हो जाएगा, बस तो m इक्वल टू माइनस 3 और m इक्वल टू 4 बाय 12, सिंपल सा तो है। लास्ट वाला बताइए, सही है समर्थ, हाँ
नहीं निमेश, आयुष, राम का भी सही है, आदित्य। ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी दिया हुआ है बेटा, तो इससे मैटर तो करेगा। देखो ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी दिया हुआ है, हाँ चल। सही है आयुष, आयुष सही है। हाँ स्पर्श व्यास सही है। हाँ सही है आयुष पटेल, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। मल्टीप्लाई कर ले इसको पूरे को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए सी इज इक्वल, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, और माइनस ए एक्स इज माइनस टू एक्स, माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस टू बी एक्स माइनस टू सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जी, ठीक है। सो दैट बिकम थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कॉमन ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जी, ठीक है। चलिए अब डी निकाल लेते हैं, अब इसका डी निकालो, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो बस डी निकालना, रूट्स निकालने की जरूरत नहीं, डी निकालेंगे इसका। तो यदि इसका डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये पूरा होगा माइनस फोर ए, ए मतलब थ्री इंटू सी, सी मतलब क्या ए बी प्लस बी सी प्लस, फोर कॉमन लेके हटा देते हैं, फोर हटाना नहीं कॉमन लेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, और यहां पर आ जाएगा माइनस थ्री ए बी माइनस थ्री बी सी माइनस थ्री, सो दैट बिकम फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी,
ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, नाउ अब ये वाला एक्सप्रेशन आगे के लिए याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है विदाउट रेस्पेक्टिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दो बार क्वेश्चन आ चुका है आईडी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली मतलब इसको यूज करना। अभी कैसे अपन कर सकते हैं, फोर को मैं टू इंटू टू कर लेता हूं, एक टू को अंदर ले जाता हूं, मान लो ये फोर नहीं भी होता तो मैं टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर। ठीक है, फोर नहीं होता तो मैं टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर लेता, अभी फोर है तो इसी में से मैं टू के फैक्टर को अंदर ले जाता हूं, तो टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस 2ab minus 2bc minus 2c। टू ए स्क्वायर को लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू बी स्क्वायर को लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू सी स्क्वायर को लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab minus 2bc minus 2c। Twice of ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और बचा हुआ आ जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, मान लो जैसे फोर नहीं होता, आप बोला कि फोर नहीं होता तो आप सीधा सीधा टू से मल्टीप्लाई कर लो, टू से डिवाइड कर लो, उसको अंदर ले जाएंगे, वो भी कर सकते हैं, है ना। नाउ ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी गिवन है, तो होल स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, और जीरो भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि ए इक्वल्स टू बी की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो इसलिए ये तीनों पॉजिटिव होंगे और तीनों पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की भी पॉसिबिलिटी, हाँ ये कंडीशन नहीं होती ना तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसलिए अभी आप कंफर्म कंफर्म रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल सकते हो। ठीक है, हाँ मॉड्यूल में दे भी रखी होगी शायद, आदित्य मणि आपका तो शायद नाम लिया था मैंने, हो सकता है ऊपर से कैसे पता लग जाता आदित्य त्रिपाठी, इसके अलावा किसी ने कोई और कंक्लूजन सोचा हो? आदित्य त्रिपाठी कहां से आप बता रहे हो, क्योंकि और कोई कंक्लूजन इसमें है नहीं। ठीक है दानिश, शेयर कर दूंगा मैं, आदित्य और कौन सा कंक्लूजन कैसे आप बता रहे हो आदित्य त्रिपाठी, वो जहां वो एक्सप्रेशन आया वहां से हम डायरेक्ट देख सकते हैं कौन सा एक्सप्रेशन, इस वाले एक्सप्रेशन से, हाँ वो आगे के लिए आप देख सकते हो पर अभी अभी इसको देख के मैं डायरेक्ट कैसे कंक्लूड करूंगा। देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है ना। अब ए और बी ये तो कुछ भी हो सकते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको देख के आप कैसे बोलोगे कि हमेशा पॉजिटिव है, तो वो इसलिए होल स्क्वायर मैंने बनाया। क्यों गौरव सिंह, इसको देख के आप कैसे बोल सकते हो, नहीं अब अरे अब बोला है मैंने, अब आगे के लिए याद रखना, मैंने ये प्रूव करके दिखाया है ये कि इसको देख के मैंने बोला है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको देख के थोड़ा निकाला, इसको प्रूव करने के लिए तो ये सब करा है।
डायरेक्ट इसको देख के मैं कंक्लूड नहीं कर सकता, वो तो आगे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आगे के लिए आप इस चीज को याद रखना कि ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। वो तो आगे के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अब आपके पास कहीं आ जाए तो आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं बार बार, आगे के लिए आप इस चीज को याद रख सकते हैं, आगे के लिए इस चीज को याद रख सकते हैं कि दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव विदाउट रेस्पेक्टिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ट्रिग्नोमेट्री वाले में देखना पड़ेगा यार मदन। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट पार्ट रिपीट कर देता हूं मैं। यहां तक तो पूरी कैलकुलेशन चल रही थी, इसके बाद सिंपली मैंने एक चीज करी है कि अभी देखो, अभी यदि आप सिंपल फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो अभी मुझे इस एक्सप्रेशन को देख के कुछ भी नहीं पता लग रहा, यदि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ तो अभी डायरेक्टली नहीं पता लगेगा। तो मैंने 4 को 2 इंटू 2 करा और एक 2 को अंदर ले गया, तो एक 2 को अंदर लेके गया, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c, 2a स्क्वायर को लिखा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको ये लिख दिया, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, b माइनस c का होल स्क्वायर हो गया, बचा हुआ c माइनस a का होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, जीरो भी नहीं होगा क्योंकि a नॉट इक्वल टू b दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव तीनों को ऐड करेंगे ग्रेटर देन इसमें। आयुष क्या बोलना चाह रहे हो? आयुष रियल बोला तो है ना अपन ने, आयुष बोलो। हेलो सर, सर मुझे डाउट था, सही से रियल क्यों नहीं कह सकते सर, सर ओनली रियल। हाँ ओनली ऑप्शन में यदि ओनली रियल होगा, मतलब रियल के साथ जितनी चीज मुझे ज्यादा पता लगेगी तो ज्यादा बोलने में थोड़ी ना, रियल तो बोला ही ना, रियल के साथ मुझे डिस्टिंक्ट भी पता लग रहा है, डिस्टिंक्ट भी बोल दिया ना, उसमें क्या दिक्कत है, ज्यादा ही बोला अपने, कम थोड़ी ना बोला है। ओके भाई ऑप्शन में डिपेंड है, वो अब ऑप्शन में क्या है आप देखना, मान लो मैं चार ऑप्शन बोलता हूँ, पहला ऑप्शन मैंने बोला रियल, दूसरा ऑप्शन बोला इमेजिनरी, तीसरा ऑप्शन बोला रियल एंड इक्वल, चौथा ऑप्शन बोला रियल एंड डिस्टिंक्ट, और मुझे यदि एक ही ऑप्शन चूज करना हुआ तो फिर मैं रियल एंड डिस्टिंक्ट चूज करूं, ऐसा ठीक है सर। ओके सर, हाँ वासु सोनी ठीक है सही है ओके। हाँ मल्टीपल करेक्ट हो तो रियल भी ले सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी ले सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट हो तो रियल भी और रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकता है उसका, हालांकि इतना कंफ्यूजिंग देते नहीं है वो, है ना, इतना कंफ्यूजिंग देते नहीं है वो कभी भी, ठीक है। रियल एंड देखो फिर अभी मैंने बोला था इतना कंफर्म है कि इक्वल तो नहीं होंगे, रियल एंड इक्वल तो नहीं होंगे ना, इतना तो कंफर्म ही है ना बेटा, क्योंकि ए नॉट इक्वल इक्वल बी इक्वल टू जीरो की पॉसिबिलिटी नहीं, तो इसलिए रियल एंड इक्वल तो नहीं हो सकता। तो या तो आप बोलना हो तो केवल रियल बोलो तो मैं मान लूंगा, या रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलना होगा तो मैं मान लूंगा, है क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? वो इमेजिनरी नंबर्स के लिए तो फिर सारी चीजें ये जितनी भी अपन बात कर रहे हैं ना बेटा, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल्स टू जीरो, ये सब अपन केवल और केवल तभी बात कर रहे हैं जब एबीसी रियल नंबर, एबीसी में से कोई भी एक जो अपना क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी में एबीसी रियल हो, एबीसी में से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स हो गया ना तो फिर अपन डायरेक्टली ये सब चीजें नहीं लगा पाएंगे, है ना, फिर तो अपने को रूट्स निकाल के देखना पड़ता है, फिर तो अपने को रूट्स निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बस ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, अब बहुत सी बार क्या होता है जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है ना, जैसे मैं एक चीज और बताता हूँ, जैसे मान लो मैं ऐसा लिखूं,
अभी जैसे ये एक्सप्रेशन था, मान लो अब मैं एक एक्सप्रेशन और लिखता हूँ अभी, है ना, मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर नाइन जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस सिक्स वाई जेड माइनस थ्री एक्स जेड, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज दिस वन, आप ध्यान से देखोगे ना तो ये वाला एक्सप्रेशन सेम यही वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन सेम यही वाला एक्सप्रेशन, बस मैंने क्या करा ए की जगह पे एक्स लिखा, बी की जगह पे टू वाई लिखा और सी की जगह पे जेड स्क्वायर, सी की जगह पे क्या लिखा थ्री जेड लिख दिया था, तो सेम ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेशन एग्जैक्टली ऐसा ही है, वो हो सकता है किसी और फॉर्म में भी आपको दे दे, एबीसी की जगह पे कोई और वैल्यू रख के भी दे दे, तो भी फिर अपने को इसी तरह से उसको करना रहेगा, ठीक है। कोफिशिएंट से कौन से कोफिशिएंट की बात कर रहे हो आप, इसकी बात कर रहे हो क्या 2, 6, 3 की, तो ये तो वही है ना अपन ने, मतलब मैंने a इज इक्वल टू x रखा, b इज इक्वल टू 2y रखा और c इज इक्वल टू 3z रखा, फर्क तो पड़ेगा बेटा, आप ऐसा थोड़ी ना है कि अब इसमें 2y की जगह मैं और कुछ रख दूंगा, नहीं नहीं वो एग्जैक्टली ये रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं अपन कुछ और रख सकते, रखना आपको पड़ेगा उसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू जीरो आर रियल एंड अनइक्वल, then nature of roots of equation x square minus twice of a plus b into x plus a square plus b square plus 2c square is equals to 0. ईशांत अब हो गया क्लियर, ईशांत वो बीच में हुआ था ब्लड शायद से, अब क्लियर हो, क्वेश्चन ये है बेटा कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल गिवन है आपको, है ना, रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट, तो आपको इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, दो इक्वेशन है, फर्स्ट वाली इक्वेशन के रूट्स आपको बता दिए कि रियल एंड अनइक्वल है, तो आपको सेकेंड इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है। हाँ प्रथम बोलो,
नहीं आज तीनों थोड़ी ना है प्रथम, तीनों क्लास थोड़ी ना, आज दो ही तो है। टीम बोलिए क्या, दो ही का तो लिंक आया नहीं, दो ही है। सौरभ सिंह वेरी गुड, सौरभ सिंह का सही। मंडे को होगी, हाँ मंडे को, आज थोड़ी ना है वो, मंडे की होगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है सही है। पीयूष राय का सही है, आयुष केलवाल, स्पर्श व्यास, आयुष केलवाल सही है। हर्षल नहीं, हर्षल नहीं, आयुष का सही है। छयान नहीं, पुष्कर का सही है। आदित्य सिंह का गलत है, विधान का सही है। वासु सोनी आज थोड़ी ना लिखा है वो। नैतिक नहीं, नैतिक का सही, सॉरी नैतिक का सही, सही है, वेरी गुड वेरी गुड। परसों, हाँ हाँ परसों की है, परसों होगा वो, परसों 8:40 तक। हाँ 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 मजा आ गया आपको तो, 8:40 तक क्लास लग रही है आप लोगों की तो है। हाँ पीयूष राय सही है, मैंने सबसे पहले आप ही का नाम लिया था। आसिम का सही है, चयन सही है, अक्षत अशोरे सही है, कुव्या सही है, कुव्या सही है। वैभव क्या लिखा था, नहीं वैभव, वैभव गलत है, ओम का सही है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, चलिए अब मैं देख नहीं रहा हूं आंसर, अब आप देख लीजिए सॉल्यूशन। इसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, तो इसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल है तो मतलब इसका डी ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो इसका डी ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी ग्रेटर देन जीरो हो गया, मतलब स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो हो गया, बहुत सिंपल सी बात है ना। अब आपको इसके रूट, ये आपने को पता लग गया, ये तो इनडायरेक्टली आपने को गिवन था, ये इसके रूट्स रियल गिवन थे तो ये तो गिवन था। अब आते हैं इस वाली इक्वेशन पे, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इसके रूट्स का नेचर निकालने के लिए इसका डी निकाल लेते हैं, तो इसका डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर, ठीक है। फोर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, टू वहां पे कॉमन ले लेते हैं तो फोर टू जा एट, ए बी माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो है, साफ साफ दिख रहा है, तो ए बी माइनस सी स्क्वायर कैसा होगा, लेस देन जीरो होगा, माइनस कॉमन लेके उधर ले जाओ, इनइक्वालिटी का साइन, तो बी लेस देन जीरो, तो रूट्स आर इमेजिनरी, या कहीं कहीं तो कॉम्प्लेक्स भी लिख देता है, बच्चों पता है ना स्टार्टिंग में मैंने बताया था इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, तो वो भी अपन लिख सकते हैं। हाँ शशांक, हाँ वैसे तो सुबह अच्छी रहती है आदित्य त्रिपाठी, सुबह सही रहती है आदित्य, अरे लिया था यार आदित्य मणि, तुम बार बार वही बोलते हो, पहले भी लिया था तुम्हारा नाम, आदित्य मणि का भी सही था, आदित्य मणि का भी आंसर सही था। ठीक है चलिए, ठीक है दो चार बच्चों का नाम छूट जाता है उसमें क्या है। क्वेश्चन में उसके रूट्स क्यों दिए, अरे तो इसके रूट से ही तो पता लगा, नहीं तो आप इसको देख के कैसे नेगेटिव बोलोगे, आप इसी को देख के तो मुझे ये पता लगा कि ए बी माइनस सी स्क्वायर नेगेटिव हुआ, बिना इसको दिए यदि मैं ये नहीं दूंगा तो आप इसके बारे में कैसे कंक्लूड कर सकते हो, है ना। वासु सोनी आई बात समझ में, भाई जब तक ये नहीं होता तो इसका कंक्लूजन कैसे निकालते आप ये बताओ, उसको देख के ही तो मुझे अच्छा क्या आंसर, सी स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ए बी माइनस सी स्क्वायर नेगेटिव होगा, उसी को देख के तो बोला ना मैं। हाँ पांचु सही है, सर्टिफिकेट चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। Why it is less than sign?
क्योंकि सी स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव आया था ना। इसने अग्रवाल पूछ रही है वाई इट इज लेस देन साइन, ये लेस देन साइन इसलिए था क्योंकि सी स्क्वायर माइनस ए बी क्या आया था बेटा, ग्रेटर देन जीरो आया था, तो माइनस कॉमन लेके उधर ले जाओ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए ए बी माइनस सी स्क्वायर लेस देन जीरो आएगा। आया कि नहीं समझ में, इसने बात समझ में आई? चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? पी क्यू आर एस रियल नंबर दिए हुए हैं और पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू प्लस एस आपको दिया हुआ है, ठीक है? ये तो गिवन है, राइट? और देन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है? ऑप्शंस में लिख रहा हूं इसमें और आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। Both equation have real roots. Both imaginary roots. Exactly. One real and one complex या imaginary और third option और ये fourth option है, at least one equation have real roots, at least one equation have real roots. मालूम कैसे पड़ेगा लेस और ग्रेटर में? क्या पूछ रहे रूपांशु? लेस और ग्रेटर में कैसे मालूम पड़ेगा? रूट्स रियल होते हैं तो डी ग्रेटर देन जीरो होता है, उसमें रियल गिवन था इसलिए मैंने ग्रेटर देन जीरो लिखा था। एक स्टूडेंट को एक ही चांस मिलेगा। वेदांत आपका आंसर आ गया है, गलत आया है, आपका चांस अब दोबारा नहीं आएगा। थर्ड में बोला एग्जैक्टली वन रियल एंड वन इमेजिनरी। ईशांत का भी आंसर गलत आया है। एक स्टूडेंट को एक ही चांस मिलेगा, दोबारा वो आंसर टाइप नहीं कर सकता, तो इसलिए वेदांत और ईशांत अब आंसर टाइप नहीं करेंगे। और मुझे पता है जो इतनी जल्दी आंसर दे रहा है, जलज आप एक्सप्लेन कर सकते हो मेरे को? जलज को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ जलज, थर्ड इक्वेशन में लिखा है, थर्ड ऑप्शन में एग्जैक्टली वन इक्वेशन, सॉरी इसमें थर्ड ऑप्शन में बता देता हूं, एग्जैक्टली वन इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड वन इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट्स। सही आंसर आएगा तो मैं नाम बोल दूंगा, मैं देखता जा रहा हूं सबका आंसर, सबकी चैट मेरे को दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सही आंसर जिसका आएगा तो मैं बोल दूंगा। आंचल मैंने देख लिया है, सही आंसर आएगा तो मैं बोल दूंगा।
सबका देखता जा रहा हूं मैं, आंचल का, मनन का, हर्षल का, दानिश का, गौरव सिंह का आंसर सही है, मैं एक्सप्लेनेशन भी पूछूंगा अभी कैसे, अभी तक एक ही का आंसर सही आया है। आयुष मैंने देख लिया है, सही नहीं है आंसर। वासु देख लिया है मैंने, सही नहीं है, सही नहीं है किसी का भी, सबका देख लिया है मैंने। करण पाटीदार आपका भी देख चुका हूँ, स्पर्श व्यास का भी देख लिया, सही जिसका आएगा मैं नाम बोल दूंगा, सही जिसका आएगा मैं नाम बोल दूंगा। अर्पित देख चुका हूँ मैं, सही नहीं है आपका, मैं यही खड़ा हूं, मैं देखता जा रहा हूं बिल्कुल। ईशांत आप पहले देख चुके हो आंसर मेरे ख्याल से, अमन मैंने देख लिया है आपका आंसर, अमन मैं पहले देख चुका हूं। चलिए गर्व सिंह आप एक्सप्लेन करो तो कैसे आया आपका आंसर, आपकी का सही आया क्योंकि और किसी का सही नहीं आया। गर्व सिंह उत्कर्ष क्या बताया था आपने, उत्कर्ष आपने फाइनल आंसर क्या बताया था, उत्कर्ष आपने आंसर क्या बताया था, आंसर नहीं लिखा। सर मैंने D1 प्लस D2 दोनों डिस्क्रिमिनेंट को ऐड किया, वो सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, फिर सर उसके बाद ऑप्शन से वही मैच कर रहा था। क्या आंसर क्या निकाला आपने सर, सर फोर्थ, हाँ फोर्थ सही है, वेरी गुड वेरी गुड, इसका आंसर एक्चुअली फोर्थ ऑप्शन सर दोनों, हाँ हाँ वो दोनों को ऐड कर दो, सही हो सही है। देखो इसमें क्या है कि
ये रिलेशन दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। सपोज करो कि मैंने इसका डी निकाला, इसका डी मतलब लेट से डी वन मान लेता हूं, तो वो आएगा पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू। इसका डी निकाला सेकंड इक्वेशन का, तो वो आया मेरे पास आर स्क्वायर माइनस फोर एस। अब पी क्यू आर एस इसने रियल नंबर दिया हुआ है, तो पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आर और एस पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही ना। तो प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे अलग अलग डी वन और डी टू के बारे में तो पता लग ही नहीं पा रहा है, मैं अलग अलग डी वन और डी टू को देख के तो पता ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। फिर आप ध्यान से तो जो क्वेश्चन में कुछ दिया है तो उसको यूज तो करें। पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू प्लस एस दिया हुआ है, तो इसको यूज करने का मुझे एक ही तरीका समझ में आया कि मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो यदि मैंने दोनों को ऐड करा तो मुझे मिला पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस फोर क्यू प्लस एस, ये मिला, ठीक है। और q प्लस एस की वैल्यू यहां से रख देते हैं अपन, तो q प्लस एस की वैल्यू रखेंगे तो p स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस एस, क्यू प्लस एस कितना हो गया 1 बाय 2 pr, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r कितना हो जाएगा p माइनस r का होल स्क्वायर, p माइनस r का होल स्क्वायर हो जाएगा। और p माइनस r का होल स्क्वायर, p और r के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है, रियल नंबर बोला है, तो इतना मैं एक चीज कंफर्म बोल सकता हूं कि p माइनस r का जो होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इतना तो कंफर्म है ना कि नेगेटिव तो नहीं होगा, होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव, 0 भी हो सकता है। आप बोलेंगे कि 0 भी तो हो सकता है, p इक्वल्स टू r आ जाए तो बिल्कुल हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो कभी कभी यही चीज होती है, आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको ऑप्शन भी तो चूज करना आना चाहिए। तो d1 plus d2 greater than equals to 0 मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सोचा कि दो नंबर्स का जो सम है वो greater than equals to 0 आ रहा है, दो नंबर्स का सम, तो इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने सोचा दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाए, मैंने सोचा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी तो हो सकता है बेटा, तो भी सम पॉजिटिव आ सकता है, सारी पॉसिबिलिटी लेके सोच रहा हूं। आप बोलेंगे कि सर एक पॉजिटिव एक जीरो भी तो हो सकता है, आप बोलेंगे कि दोनों जीरो भी तो हो सकते हैं, या मैं उल्टा बोलता हूं आपसे, एक ही चीज नहीं हो सकती, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, बाकी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि d1 और d2 दोनों नेगेटिव हो गए या एक नेगेटिव एक जीरो भी हो गया तो भी d1 plus d2 greater than equals to 0 नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि d1 और d2 दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी तो नहीं आ सकते, या मैं यहां से बोलूं कि d1 और d2 में से मिनिमम एक की वैल्यू तो पॉजिटिव, मिनिमम दोनों की मैं कंपलसरी नहीं बोल सकता, हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो, पर इतना बोल सकता हूं कि दोनों में से मिनिमम एक की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी ही आएगी d1 और d2 में से, तो दोनों में से एक की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब एटलीस्ट वन इक्वेशन हैव रियल रूट्स, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैव रियल रूट्स, मतलब बहुत सी बार आपको चीजें रिजेक्ट भी करनी पड़ेगी, है ना। मुझे यह कंफर्म पता लग गया दोनों इमेजिनरी नहीं हो सकते, ठीक है, बोथ रियल रूट्स कंफर्म नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, ठीक है। एग्जैक्टली वन इक्वेशन रियल वन इमेजिनरी ये भी कंफर्म नहीं है, हो सकता दोनों ही पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, पर ये तो कंफर्म स्टेटमेंट है कि हाँ भाई इतना तो बोल सकते हैं कि एटलीस्ट वन इक्वेशन हैव रियल रूट्स, दोनों में से मिनिमम एक इक्वेशन का रूट रियल होगा ही होगा, ठीक है, नहीं मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं है, ये तो क्या रैंडम है, देखो आप सोचो मल्टीप्लाई करके देख लो, करके देख लो भाई, ये यूज होना चाहिए ना, ये यूज होना चाहिए और आपको कंक्लूड मिलना चाहिए, हो सकता है डी वन इंटू डी टू से कुछ कंक्लूजन मिल रहा है तो कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसमें भी यदि मुझे डी वन इंटू डी टू पॉजिटिव मिल गया तो पता लग जाएगा दोनों पॉजिटिव, डी वन इंटू डी टू नेगेटिव तो पता लग जाएगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना, तो वो कंक्लूजन मिलना चाहिए। मेन चीज बस एक ही है कि वो कंक्लूजन मिलना चाहिए, कंक्लूजन मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल में होता तो 1, 3 और 4 आंसर होता क्या, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता, अरे 100% की बात है ना, यहाँ पे उसने मे भी तो पूछा ही नहीं ना, यदि वो मे भी पूछता, आप देखो फिर वही बात कर, मे भी नहीं पूछा ना उसने, उसने तो कंफर्म बात करी है विल हैव,
मतलब कंफर्म 100% वाली बात करनी है आपको, मल्टीपल में दोगे तो भी एक ही आंसर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। डी वन इंटू डी टू इज ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। आप बोल रहे हो कि डी वन इंटू डी टू स्पर्श व्यास, मैं देख लेता हूँ कि वो पॉजिटिव आ रहा है तो उसको तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो पी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो गया माइनस 4 क्यू आर स्क्वायर हो गया माइनस 4 पी स्क्वायर एस हो गया प्लस 16 क्यू एस हो गया। वैल्यू किसकी रख सकते हैं अपन, पी आर की वैल्यू तो नहीं रख पाएंगे, क्यू प्लस एस आ रहा है क्या कहीं पे, क्यू प्लस एस भी नहीं आ रहा है, तो वैल्यू किसकी रखी फिर आपने, पी आर की वैल्यू रखें क्या, पी आर की वैल्यू रखेंगे ट्वाइस ऑफ क्यू प्लस एस का होल स्क्वायर, तो 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर और 4 टू जा 8 क्यू एस, ठीक है, ऐसा आ रहा है मेरे पास। तो इससे भी अपन कुछ पता लगा पाएंगे क्या, 8 क्यू एस नहीं, इससे भी नहीं पता लग रहा ना, नहीं पता लगेगा, वो डी वन इंटू डी टू पता लगेगा ही नहीं, नहीं पता लगेगा, डी वन इंटू डी टू करोगे तो नहीं पता लग पाएगा। क्लियर है कि नहीं, आई की नहीं बात समझ में, हाँ रूपांशु पाटीदार से, ये रूपांशु पाटीदार बताओ रूपांशु क्या चीज नहीं समझ में आई, चलो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ एक बार, रूपांशु पाटीदार हाँ बताओ रूपांशु कौन सी स्टेप नहीं समझ में आई सर, लास्ट वाली बोलो, अब आ रही क्या आवाज, उज्ज्वल आवाज आ रही है, लास्ट ये वाली तो स्टेप आई नहीं, मैंने डी वन प्लस डी टू करा तो डी वन प्लस डी टू करा तो सोल्व करा तो ये पी माइनस आर का होल स्क्वायर बन गया, पी माइनस आर का होल स्क्वायर जो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा, होल स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, तो दो नंबर्स का सम यदि ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, दो नंबर्स का सम पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा या एक पॉजिटिव एक जीरो होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी वन और डी टू में से एक की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, डी वन डी टू में से एक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसलिए एक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मिनिमम हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए उस इक्वेशन के रूट्स रियल हो जाएंगे। D1 प्लस D2 इसलिए करा ताकि ये यूज हो जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि D1 प्लस D2 करके मुझे वो मिल रहा था तो वो यूज कैसे होगा और कैसे कंक्लूजन मिलेगा वो उसी से पता लगेगा। फोर कॉमन लेकर, कहां से फोर कॉमन लेकर, होल स्क्वायर नहीं नहीं बन रहा था, होल स्क्वायर नहीं बन रहा था, होल स्क्वायर नहीं बन रहा था, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको एक बार, एग्जैक्टली लिखा है ना, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते अपन, वासु सोनी वो थर्ड में एग्जैक्टली बोल रहा है, एग्जैक्टली यदि मे भी बोलता ना, मे बी पॉसिबली तो अपन बोल सकते, एग्जैक्टली में कैसे बोलोगे आप, जब मुझे कंक्लूजन ही नहीं मिल पा रहा है, मुझे कंक्लूजन ही नहीं पता लग रहा है तो फिर कैसे बोल पाओगे आप, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अपन दो पांच मिनट और है, एक पॉइंट और मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट यह है कि जैसे अपन इमेजिनरी रूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स जो है वो हमेशा कैसे होते हैं, पेयर्स में, मतलब अब इसमें तीन चार स्टैंडर्ड पॉइंट है एक तरह से, है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है, तीन चार प्रॉपर्टी मान लो आप, तो क्वेश्चन में अपने को याद
करना है कहीं पर उसको बीच बीच में उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास, ये मान लीजिए कि इमेजनरी रूट्स आर ऑलवेज अकर्स इन पेयर फॉर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। वीडियो पॉज हो गई, नहीं वीडियो तो चल तो रहा है, वीडियो दिख रहा है कि नहीं सबको, दिख रहा है? हाँ बेटा दिख रहा है, वासु दिख रहा है ना। इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज अकर्स इन पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इमेजिनरी रूट्स जब भी आते हैं वो पेयर में आते हैं। पेयर में भी आप चाहो तो आप लिख सकते हो कॉन्जुगेट पेयर, इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, है ना, कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है। जैसे कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है कि देखो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक इक्वेशन ले ली एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, अब इसके रूट से भी मैं निकालूंगा तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू आ गया, तो माइनस थ्री बाई टू प्लस माइनस यहाँ पे आ रहा है अंडर रूट माइनस इलेवन, ठीक है। अंडर रूट माइनस इलेवन को लिख सकता हूं मैं आयोटा अंडर रूट इलेवन बाई टू, याद है अंडर रूट माइनस वन को मैंने लिख दिया आयोटा अंडर रूट माइनस वन को, ठीक है। तो मेरे पास रूट्स क्या क्या आ गए, रूट्स मेरे पास आ गए माइनस थ्री बाय टू प्लस आयोटा रूट इलेवन बाय टू एंड माइनस थ्री बाय टू माइनस आयोटा रूट इलेवन बाय टू, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर अपन बोलते हैं जिसमें आयोटा वाले का साइन चेंज, आयोटा वाले का साइन चेंज। तो मान लो एक रूट मैंने बोला थ्री प्लस फोर आयोटा तो दूसरा रूट थ्री माइनस फोर आयोटा, मैंने बोला एक रूट वन प्लस रूट टू आयोटा तो दूसरा रूट वन माइनस रूट टू है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब तक एबीसी बिलोंग्स टू आर है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बात कर रहा हूं एबीसी रियल नंबर होना चाहिए, तो इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, इमेजिनरी रूट्स जो है वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर में मतलब आयोटा वाले का ऐसा तो फिक्स है, आपको बताया कि इमेजिनरी आ रहे हैं तो एक रूट है तो दूसरा रूट आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बस एबीसी रियल नंबर होना चाहिए, आप ये बोले कि एबीसी रियल नंबर नहीं हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर पेयर आना जरूरी नहीं है, एक रियल एक इमेजिनरी का भी बन सकता है। जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिख दी x माइनस टू एक्स माइनस आयोटा इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन का एक रूट x इक्वल टू टू आ रहा है, एक रूट x इक्वल टू आयोटा आ रहा है, लेकिन इसमें फिर ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो इसलिए अपन ये जितने भी पॉइंट्स पढ़ते हैं ना बेटा, ये ध्यान रखना कि मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ डी की, ये है आगे और भी आएगा, तो ये सारी प्रॉपर्टीज तभी होल्ड करती है जब अपन उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर ले रहे हैं, कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर ले रहे हैं, कोफिशिएंट्स इमेजिनरी हो गए तो फिर आपने रूट्स निकालने ही पड़ते हैं, रूट्स निकाल के देखना पड़ता है, डायरेक्ट कुछ भी पता नहीं लगता है, ठीक है। अर्पित ने क्या समझ में नहीं आया बेटा, सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ में आया, हिंदी में बोल के बताऊं, इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा पेयर बोलते हैं, किसको बोलते हो, शूज का पेयर होता है तुम्हारे, ईयर का पेयर होता है इसे, तो पेयर मतलब होता है दो, तो इमेजिनरी रूट्स जो भी आते हैं वो पेयर में आते हैं, एक नहीं आता है, दो दो आते हैं,
कॉन्जुगेट मतलब एक प्लस आयोटा एक माइनस आयोटा में आता है। आगे से एक चीज ध्यान रखना, जब मैं एक्सप्लेन करूं तब कॉपी पेन पे नहीं लिखना है, क्योंकि तब तुम लिख रहे होंगे तभी तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ सकती, यदि सुनी होगी तो समझ में आ जाती, ठीक है। किसी को भी यदि बात सुन रहे हैं तो सवाल ही उठता नहीं समझना है, एक ही कारण से नहीं समझ में आती कि जब मैं लिख रहा जब मैं समझा रहा हूँ तो आप कॉपी पेन पे लिख रहे हो, तो वो हैबिट थोड़ी सी चेंज करो बेटा, ठीक है, नहीं तो क्या समझ में नहीं आ सकता इस स्टेटमेंट पे, है ना। कॉन्जुगेट पेयर मतलब ये पेयर बोल रहे हैं अपन। आयोटा इमेजिनरी आएगा तो वो आयोटा आएगा इसे बेटा, इमेजिनरी आएगा ना तो वो तो आयोटा आएगा इसे, आएगा इसे अंडर रूट, क्योंकि इमेजिनरी तभी आएगा ना, अंडर रूट में नेगेटिव मतलब वो इमेजिनरी, तो वो आयोटा आना ही आना है इसलिए, है ना। हाँ वासु ठीक, और किसी क्लियर हुआ कि नहीं, किसी को कोई डाउट है क्या अब इस पॉइंट में, इमेजिनरी वाले रूट्स में किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ उज्ज्वल, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ाया था थोड़ा, बस ये आयोटा इमेजिनरी, बस वो आयोटा ही बताया था, और आयोटा सबको बताइए, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है माइनस वन, ये सबको बताइए, है ठीक है। चलिए तो ठीक है, यहाँ पे अपन आज की क्लास अपनी खत्म करते हैं बच्चों, है ना। तो मैं आपको शीट प्रॉबेबली आज रात में दे दूंगा, है ना, आज रात में नहीं दे पाऊँ तो कल सुबह तक प्रॉबेबली दे दूंगा, वैसा आज कोशिश करूंगा रात में मैं दे दूँ, ठीक है। चलिए तो स्नेहा, हाँ स्नेहा, नॉर्मल क्वांटिटी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल क्वांटिटी इक्वेशन की तो बात कर रहे हैं अपन, कोई स्पेशल थोड़ी ना क्वांटिटी इक्वेशन, ठीक है। चलिए ओके बाय बाय, है ना। शायद केमिस्ट्री क्लास आपके दूसरे लिंक पर है, केमिस्ट्री क्लास दूसरे लिंक पर है ना, हाँ। चलिए तो आप इसको एग्जिट कर जाइए, इसको एग्जिट करके उस वाले लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा 2-3 मिनट बाद, है ना। ओके चलो बाय बाय।